देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके साथी ओपी राजभर ने देश का बंटवारा कराने के जिम्मेदारों में से एक मोहम्मद अली जिन्ना की शान में कसीदे पढ़ अपने दिल की बात जुबान पर तो ला ही दी थी। तो अब कांग्रेस पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने अपना पुराना बाबर अकबर प्रेम दुनिया के सामने फिर रख दिया। यहां तक कि कांग्रेस का दफ्तर अकबर रोड पर है और मुगलों ने कोई मंदिर नहीं तोड़े, कोई धर्मांतरण नहीं किया। जरा सुनिए आप भी इस तरह से मुगल बाबर अकबर की शान में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर कसीदे पढ़ रहे हैं। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई सबको, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहाँ मैं मंत्री होने के समय रहता था उस सड़क का नाम है अकबर रोड और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। तो बाबर अकबर और जिन्ना की याद में परेशान इन नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में खुलकर लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।